यहाँ सवाल ये कि हंगामा क्यों बरपा है, क्योंकि मानसून सत्र संसद का जारी है और लगभग हर दिन हंगामा देखा जा रहा है। विपक्ष के हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित की गई है और इसके अलावा राज्यसभा की अगर बात करें तो थोड़ी ही देर में कार्यवाही शुरू होगी। विपक्ष अलग अलग मुद्दों को लेकर सदन में विरोध कर रहा है, आवाज बुलंद कर रहा है, सरकार को घेरने में जुटा है। और सबसे बड़ा इस बार का मुद्दा तीनों नए कृषि कानूनों का, किसान आंदोलन का था ही, लेकिन पेगासस जासूसी मामला एक बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आ रहा है। आज भी राहुल गांधी चूंकि जिस वक्त ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे थे उस वक्त ये साफ हो गया था कि आज भी विपक्ष हंगामा करने वाला है। तो सवाल किए गए विपक्ष की ओर से और जवाब दिए गए अलग अलग मंत्रियों की ओर से, लेकिन हंगामा इतना हुआ कि कार्यवाही, लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर दो बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। तो राज्यसभा की बात करें तो कुछ ही देर बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। तो आज दोनों ही सदनों में हंगामा देखा जाएगा। पेट्रोल डीजल के मुद्दे को लेकर विपक्ष वार कर रहा था। मानसून सत्र के पहले दिन भी इस बात की तस्वीर सामने आई कि पेट्रोल डीजल को लेकर, महंगाई को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर जमकर सरकार को घेरा गया। हंगामे के साथ सत्र की शुरुआत हुई थी। आज एक बार फिर से हंगामा देखा गया है, संसद के बाहर भी और संसद के अंदर भी। लोकसभा की कार्यवाही हंगामे को देखते हुए दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रही है। सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले कांग्रेस के सांसद और कांग्रेस के बाकी नेता ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद परिसर पहुंचे। राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाते नजर आए। तीनों कृषि कानूनों को लेकर कहा गया कि देखिए संसद में तो आवाज नहीं उठाने दी जा रही, हम संसद के बाहर आवाज उठा रही है। सरकार तीनों कृषि कानूनों को लेकर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की मंशा रखती है, यह आरोप राहुल की ओर से लगाए गए। रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत बाकी कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। From the government, and that extended amount was made an announcement. It was just after the second wave, and through this we expect to reach small customers in the second, tier 3 and tier 4 cities, so that small borrowers who need to have some money reaching them, 1.5 lakhs will be given without any security through the MFI. This way we expect to reach the smaller towns and the MFIs which are waiting for more money to be made available to them so that they can in turn extend further credit is being yes sir Professor Singh kya bole aap 94 Maniya Mantri ji Maniya Vitt Mantri ji sir credit support to MFI is an important area sir only recently we have made an announcement that we shall extend more credit to the NBFCs and through the microfinance institutions from the government and that extended amount was made to do tasveer aap dekhiye sansad ke andar loksabha ke andar kis tarah se hangama hua विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया वो आप देखिए। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर और बाकी शिरोमणि अकाली दल के नेता और सांसद हाथों में तख्तियां उठाए प्रदर्शन कर रखे हैं। किसानों के मुद्दे को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। तो पंजाब में तो देखिए विधानसभा चुनाव भी होने हैं और पंजाब में विधानसभा चुनाव का इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा तीनों कृषि कानूनों का है, जिसे लेकर मंत्री पद से इस्तीफा भी पिछले दिनों हरसिमरत कौर की ओर से दिया गया था। हुए हैं उनकी नहीं सुनी, किसी की सुन नहीं। 550 किसान ने अपनी जाने गवा दी अपनी मांगे मनवाने के लिए और पार्लियामेंट में मंत्री हरसिमरत कौर को आप सुन रहे थे। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ और सरकार के खिलाफ इनकी ओर से पिछले दिनों मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया गया था। शिरोमणि अकाली दल की ओर से एनडीए से अपना समर्थन भी वापस ले लिया गया था। अब आप देख पा रहे हैं सुखबीर सिंह बादल के बाकी शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं, हरसिमरत कौर हैं और देशद्रोह के आतंकवादी, परजीवी, मवाली, क्या क्या नहीं किसानों को कहा गया, ये तमाम बातें
इन तख्तियों पर लिखी गई है और सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले, ये मांग की जा रही है तमाम विपक्षी दलों की ओर से। ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल का।